हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बना है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, तो हमारा डिज़ाइन एकदम सेट आ जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देखते रहने से नया डिज़ाइन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो सब भी एंजॉय कर सकें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये 5 के मल्टीपल में मैंने एक बेसिक रो तैयार कर ली है, तो इसी के ऊपर आपको डिज़ाइन बनाना बता दूंगी। दो चेन कर लेंगे यहाँ पे, एक और दो। दो हमने एज के लिए स्टिच बना लिए हैं। अब एक चेन बना लेंगे, एक स्टिच छोड़ देंगे, दूसरे में आ जाएंगे, एक दो तीन चार। अब एक चेन करेंगे, एक स्टिच छोड़ देंगे, एक दो तीन चार। अब एक चेन करेंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे तो एस स्टिच लगा लेंगे। नेक्स्ट रो पे आ गए हैं। यहां पर फ्रेंड्स, ये दो चेन कर लेंगे और एज स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ हमने फ्रेंड्स दो चेन बनानी है, और ये पहले वाला स्टिच है जो, इसको उठाना है और इस तरह से बना लेना। फिर से धागा रैप करेंगे क्रोशे हुक पे, और ये दो स्टिच छोड़ के लास्ट वाला लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, क्रोशिया हुक पे आपको तीन धागे दिख रहे हैं, तो तीनों को एक साथ बना लेंगे। अब चार चेन बनाएंगे यहाँ पे, चार, और ये पहले वाला स्टिच, इसको ऐसे उठा के बनाएंगे, दो स्टिच छोड़ेंगे तो लास्ट वाला लेंगे, ऐसे बना लेंगे इसको। अब सभी को एक साथ बना लेंगे, पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में दो चेन कर लेंगे और एज स्टिच लगा लेंगे। ये सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो पे आ गए हैं। दो चेन करेंगे, एज स्टिच लगाएंगे। अब डिजाइन को शिफ्ट करना है फ्रेंड्स हमने, तो कैसे करना है? यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे, तो ये जो हमने यहाँ दो चेन की हैं, यहाँ पर हम दो स्टिच बना लेंगे, एक और दो।
इसके बाद फ्रेंड्स एक चेन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे जो हमने चार चेन बना रखी हैं, एक दो तीन चार। अब एक चेन बना लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे और चार स्टिच बना लेंगे, एक दो तीन चार। अब एक चेन बनाएंगे तो यहाँ पर हम दो स्टिच बना लेंगे, अब एक चेन बना लेंगे और यहाँ पर एल स्टिच बना लेंगे। ये हमारी थर्ड रो बनके तैयार हो गई है। तो फोर्थ रो में आ गए, दो चेन करेंगे, दो चेन बना लेंगे और एल स्टिच लगा लेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारे दो स्टिच हैं तो ये डिजाइन को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो देखिए पहला स्टिच छोड़ेंगे और ये दूसरे वाला लेंगे, और इस तरह से उठा के बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम चार चेन बना लेंगे, तो ये वाला स्टिच उठाएंगे, अब इधर से लेंगे और ऐसे सभी के एक साथ बना लेंगे, फिर से चार चेन लेंगे एक और ये दो, फिर से चार चेन लेंगे तो ये वाला स्टिच बना लेंगे, यहाँ एक चेन करके इस तरफ हमें इसको दो एज स्टिच बना लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। अब आप बनाइए और फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।